नमस्कार। आज मुझे बहुत दिनों बाद कहीं जाने का मौका मिल रहा है, तो मैं आपको फ्लाइट के अंदर की एक खास चीज दिखाऊंगी। सारे लोग आ चुके हैं, हम अपनी सीट पर थोड़ा सेटल होते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। बादलों के ऊपर हम उड़ रहे हैं, कितना खूबसूरत लग रहा है। वैसे तो ऐसे लग रहा है जैसे ये कोई ग्राउंड ही है, लग रही है जैसे बर्फ पड़ी हुई है। भास्कर को हाय बोलती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि फ्लाइट के अंदर का बाथरूम कैसा होता है। बाथरूम जाने के लिए दरवाजे पर हाथ का निशान बना है, उसको पुश करेंगे और अंदर आ जाएंगे। उसी दरवाजे पर फिर से बंद करने का एक नॉब लगा है, उसको बंद कर देंगे। और ये कपड़े लटकाने के लिए है, कोई आपको बैग लटकाना हो उसमें भी काम में ले सकते हैं। सिगरेट पीने के लिए यहाँ पर साइन बना के हैं, लेकिन एशट्रे फिर भी लगी है। तो ये जो है दरवाज़ा, हम खींच कर वापस बाहर जाते हैं। अब अगर हम सिंक देखें तो इसमें दो कलर से इंडिकेटर दिया है, गर्म पानी और दूसरे में ठंडा पानी, दोनों पानी आ जाते हैं। उसके साथ ही ऊपर पकड़ने के लिए एक लगाया गया है कि किसी को बैलेंस बनाना हो या टर्बुलेंस हो तो। और ये हैंड वॉश है, अब इसको बंद कर देती हूँ और मेरा खून ना गिरे, ताकि अब इसी के ऊपर इन्होंने बहुत तरह के टिश्यूज़ की सेटिंग की हुई है, जिसमें कि दो टाइप के टिश्यूज़ थे। क्वालिटी वाइज एक बहुत पतला था और एक थोड़ा सा मोटा था, तो जो हमें यूज़ करना हो हम यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी यहाँ पर हर तरह का साइन मेंशन किया हुआ है कि नहीं समझ आ रहा हो तो भी हम देख के पता लगा सकते हैं। उसके अलावा ये फ़ैन है, रोटेट करके इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मैं इसकी आवाज़ सुनाती हूँ आपको, काफ़ी तेज़ हवा देता है ये। उसी तरीके से यहाँ पर इसके नीचे साइन से आपको पता लग ही रहा है कि ये बेबीज़ के लिए, इन्फेंट के लिए सीट बनाई गई है, कि अगर बच्चे का कुछ चेंज करना है, उसके डायपर चेंज करना है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं आराम से। और उसका कचरा कहाँ फेंकना है उसके लिए भी साइन बने, और उसके बाद इसको बंद ज़रूर कर देना चाहिए। इसके नीचे कमोड के लिए जो साइड में निशान है, एक फिंगर बनी है कि बस इसको प्रेस करना है फ्लश हो जाएगा, और जो कि हमें ज़रूर करके देना चाहिए, वरना ये इतना छोटा बाथरूम है कि बहुत डर्टी फील आएगी। अब मैं आपको ये चारों तरफ से एक बार दोबारा दिखाती हूँ। काफ़ी छोटा है लेकिन बहुत अच्छे से अरेंज किया गया है इसमें सब कुछ। अब अगर कमोड पर हम बैठेंगे तो उसके सामने बहुत अच्छी तरह से ये यूज्ड टिश्यू, पानी वाला हो या कैसा भी हो, उसको फेंकने के लिए बनाया गया है, और ये टिश्यू रोल यहाँ पर लगाया गया है। अब अगर हम यूज़ कर चुके हैं वॉशरूम और हमें बाहर जाना है, तो जिस दरवाजे को खोलकर हम अंदर आए थे और उसी के साथ में हमने इसको बंद किया था, इसकी जस्ट बगल में ये पुल लिखा है, इसको हम खींचेंगे और हम बाहर निकल जाएंगे। क्या क्या एमिनिटीज होती हैं और किस तरह उसे यूज़ किया जाता है, इवन छोटे बेबी इन्फेंट के लिए भी वहाँ पर पूरी सुविधा होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको इससे कोई नॉलेज मिली हो, आगे के लिए गाइडेंस मिली हो जो आपको ट्रेवलिंग में हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ फिर अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।